हे दोस्तों, अगर आप स्मॉल बिजनेस आइडियाज की तलाश में हैं, जिनकी शुरुआत की जा सकती है लो इन्वेस्टमेंट में, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज जिनकी शुरुआत आप कर सकते हो लगभग 1,000 रुपए में। लेकिन दोस्तों बिजनेस आइडियाज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है ज़ायरो। ज़ायरो एक वेबसाइट बिल्डर है जिसकी मदद से आप वेबसाइट बना सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हो। और ज़ायरो की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना सकते हो। मान लीजिए अगर आपको वेबसाइट बनानी है और अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर फीचर चाहिए, तो सिंपली आपको उस फीचर को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और उस फीचर को एडिट करना होगा, वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा और आपकी वेबसाइट ऐसे ही तैयार हो जाएगी। और ज़ायरो की मदद से आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से प्रोफेशनल वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। आप जो वेबसाइट बनाएंगे वो बहुत ही पावरफुल होगी और क्विकली लोड हो जाएगी, मतलब अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो फटाफट ओपन हो जाएगी। ज़ायरो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है वेबसाइट बनाने के लिए। आपको किसी भी वेबसाइट बनाने वाली कंपनी के पास विजिट करने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कमाओ और कमाने दो सब्सक्राइबर्स के लिए, मतलब हमारी फैमिली के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कमाओ 30, तो आपको एक साल के सभी पेड प्लान के ऊपर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट जाके आप अपनी वेबसाइट या फिर ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो भी 10 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं वो सारे के सारे सर्विस बेस्ड बिजनेस आइडियाज है, इसलिए आप उनकी शुरुआत लगभग 1,000 रुपए में कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे आप इन बिजनेस आइडियाज को 1,000 रुपए में शुरू कर सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो मैं बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं उनमें से एक ना एक बिजनेस आइडिया तो आप आसानी से शुरू कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है प्रेग्नेंट लेडीज और न्यू बॉर्न बेबीज को केयर प्रोवाइड करना। दोस्तों जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है उसमें मैक्सिमम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे गांव से आते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे में अगर कोई महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। और दोस्तों आप खुद जानते हैं अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जिन महिलाओं का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उनको ये नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और ऐसी महिलाओं को अपनी सर्विस बेच सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपको आपके आसपास में ऐसी महिलाओं को जमा करना होगा जिनको प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस हो, और इसके अलावा उनको ये भी पता हो कि प्रेग्नेंट महिलाओं की केयर कैसे की जाती है। इसके बाद में आपको एक वेबसाइट बनानी होगी जो कि आप इजीली बना सकते हो ज़ायरो की मदद से, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वेबसाइट की मदद से आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलने वाले हैं जिनको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। दोस्तों मान लीजिए आपको एक ऑर्डर मिलता है तो आपको एक महिला को भेजना होगा प्रेग्नेंट लेडी की केयर करने के लिए, उसके बाद में आप उनसे चार्ज कर सकते हैं मंथली वाइज। मान लीजिए आपने एक सर्टन अमाउंट चार्ज किया तो उसमें से अपना कमीशन रखकर बाकी का पैसा आप उस महिला को दे सकते हैं जिसने एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड की है। आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर रेगुलर कंटेंट डालना होगा प्रेगनेंसी के ऊपर, बाकी कस्टमर्स की चिंता मत कीजिए, वो आपको ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से मिल जाएगा। क्योंकि इंडिया में हजारों महिलाएं हर महीने सर्च करती हैं प्रेगनेंसी केयर टिप्स, प्रेगनेंसी टिप्स, प्रेगनेंसी स्किन केयर टिप्स और भी बहुत सारी चीजें प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो दोस्तों आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है प्रोवाइडिंग लोकल गाइड सर्विसेज। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जिन पे लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, कुछ लोग बाहर के देशों से भी आते हैं, तो ऐसे लोगों को लोकल गाइड सर्विस की जरूरत पड़ती है। लोकल गाइड वो इंसान होता है जिसको अपने एरिया का A to Z नॉलेज होता है, जैसे कि उस एरिया की क्या हिस्ट्री है, क्या खासियत है वगैरह वगैरह। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, मतलब आपको एक मार्केट प्लेस बनाना होगा जिसके ऊपर आपको सभी टूरिस्ट प्लेसेस के जितने भी लोकल गाइड्स हैं उनको लिस्ट करना होगा। और जब भी कोई आदमी किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाएगा तो आपको उसको लोकल गाइड की सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। मान लीजिए कोई आदमी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए केरला जाता है और वो आपकी सर्विस लेता है, तो आपके केरला में जितने भी लोकल गाइड्स होंगे उनमें से एक आदमी जाएगा, उनकी फैमिली को सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिसके बदले आप सर्टन अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनानी होगी और उस वेबसाइट के ऊपर आपको रेगुलर कंटेंट अपलोड करना होगा।
अब आप कंटेंट कैसा अपलोड करेंगे? देखिए बहुत सारे लोग सर्च करते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, तो दोस्तों आप इससे रिलेटेड कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं और अपने लोकल गाइड की सर्विसेज अपने विजिटर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे और आप भी अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाएंगे। तीसरा बिजनेस आइडिया है वॉइस ओवर सर्विसेज। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज अच्छी है तो आप ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर सकते हो या फिर आप ऐसे लोगों को हायर कर सकते हो जिनकी आवाज अच्छी है। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक वेबसाइट बनानी होगी जिसके ऊपर आपको अपने और उन लोगों के वॉइस के सैंपल्स डालने होंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या काम उन्होंने किया है, वो सारे डिटेल्स भी डालने होंगे और उसके बाद में इस वेबसाइट को आपको अपने कस्टमर्स को भेजना होगा। अब आप सोचेंगे कि आपको कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटरनेट पे कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि fiverr.com, upwork.com, यहां से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं, वो है youtube.com। मैं आपको बताना चाहूंगा YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो बिना फेस दिखाए हुए वीडियोस बनाते हैं, तो उनको भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत होती है, तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां से भी कस्टमर्स मिल जाएंगे। मान लेते हैं अगर आप दिन में 50 लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं तो महीने के हो जाएंगे 1500। अगर मैं 2% का भी कन्वर्जन रेशियो पकड़ूं तो 1500 का 2% होता है 30, तो महीने में आपको 30 कस्टमर्स मिल सकते हैं जिनको आप सर्विस दे सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट की जरूरत होगी, जिसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है Xero। Xero की वेबसाइट पे आपको बहुत सारे प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनको आप अपने हिसाब से एडिट करके 10 मिनट में अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। चौथा बिजनेस आइडिया है पार्टी ऑर्गेनाइजर। दोस्तों इंडिया में रोजाना कहीं ना कहीं पार्टीज होती रहती है क्योंकि इंडिया में 138 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आप खुद सोचिए रोजाना कितने सारे लोगों का बर्थडे होता होगा, तो आप एज ए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर भी काम कर सकते हैं। वैसे तो पार्टीज बहुत ही अलग अलग तरह की होती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आपको किसी भी एक सेक्शन को टारगेट करना चाहिए। मान लीजिए आप बर्थडे को टारगेट करते हैं तो आप अपने आप को एज ए बेस्ट बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर पोर्ट्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर्स होंगे उनको लगेगा कि आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। इससे आपको काम भी ज्यादा मिलेगा। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है, 50% अमाउंट तो आपको एडवांस में मिल जाता है और बचा हुआ पैसा आपको जैसे ही काम कंप्लीट होता है उसके बाद में। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसको आप लो बजट में शुरू कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको अपने बिजनेस में कस्टमर्स चाहिए तो एक अच्छी सी वेबसाइट बनाइए, उसके बाद में फेसबुक के ऊपर उसकी मार्केटिंग कराइए, आपको जल्द से जल्द कस्टमर मिलने लग जाएंगे। पांचवा बिजनेस आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग, मतलब एक ऐसी वेबसाइट बनाना जिसमें एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू पैसे कमाए जा सके। अब दोस्तों ये एफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। Amazon एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें आप Amazon के साथ जुड़कर उसके प्रोडक्ट बिकवा सकते हैं और आप जितने भी प्रोडक्ट बिकवाएंगे उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन होता है 1% से लेकर 10% के बीच में, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग कमीशन होता है, तो आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकवाएंगे उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। अब आपको करना क्या होगा, आपको एक वेबसाइट बनानी होगी और आपको जिस भी फील्ड में नॉलेज है या फिर इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लिखनी है और लोगों को प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए आपको म्यूजिक में बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप डिटेल में जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छा तबला बनाती है, कौन सा हारमोनियम खरीदना चाहिए और गिटार कौन सा कंपनी का सबसे बेस्ट होता है। ऐसी जानकारी आप लिख के अपने वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जो भी इंसान ये प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होगा वो आपका रिव्यू पढ़ेगा, अगर आपका रिव्यू उसको अच्छा लगा तो आपके लिंक से खरीदेगा, उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी वेबसाइट बनाकर बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमाते हैं, तो अगर आप भी चाहें तो आप भी कमा सकते हैं। छठा बिजनेस आइडिया है कम्युनिटी बेस्ड होममेड फूड सर्विस बिजनेस। दोस्तों आप जिस किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसका ट्रेडिशनल फूड बनाकर लोगों को बेच सकते हैं। मान लीजिए आप गुजराती हैं और आप हैदराबाद में रहते हैं, तो आप अपना गुजरात का ट्रेडिशनल फूड बनाकर लोगों को सर्व कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो सिटीज होती है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते और उनको होममेड ट्रेडिशनल फूड खाना पसंद होता है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होगी और उसके बाद में फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा ताकि लोगों को आपकी सर्विस के बारे में पता चले। एक बार लोगों को आपकी सर्विस के बारे में पता चल गया तो उसके बाद में बार बार वो आपको ही ऑर्डर देंगे। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसकी शुरुआत आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। इस बिजनेस में आपको जैसी वेबसाइट की जरूरत होती है वैसी वेबसाइट आप इजीली Xero की मदद से बना सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग के, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। Xero एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेबसाइट बनाने के लिए। सातवां बिजनेस आइडिया है करियर काउंसलिंग बिजनेस आइडिया।
दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज है कि कौन सी फील्ड में कितना स्कोप है, तो आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वेबसाइट शुरू करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टेंथ के बाद में वो क्या लें, साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स। कोई पर्टिकुलर फील्ड की पढ़ाई करने के लिए कितनी फीस लगती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, इसके अलावा एडमिशन की डेट क्या होती है, ये सारी चीजें उनको पता नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट पे ये सारी जानकारी डिटेल में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि आप इनकम कहां से जनरेट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वेबसाइट से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप गूगल के एड्स दिखाकर पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, आप क्लासेस, कॉलेज, स्कूल इनके साथ टाइप करके भी पैसे कमा सकते हैं। और तीसरा, आप बच्चों को वन टू वन काउंसलिंग भी दे सकते हैं, जिसके लिए आप सर्टन फीस रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसकी मदद से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आठवां बिजनेस आइडिया है ट्रांसलेशन बिजनेस। दोस्तों अगर आपको कोई भी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप एज ए ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में बताया था, ठीक उसी तरीके से आप ट्रांसलेशन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो अकेले भी ये बिजनेस कर सकते हैं या फिर लोगों को साथ में जोड़कर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे fiverr.com से, upwork.com से। आपको सिर्फ इन वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बनाना है और कुछ ही दिन में आपको ऑर्डर्स आने चालू हो जाएंगे। नौवां बिजनेस आइडिया है ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स स्टोर। दोस्तों COVID-19 के बाद मैक्सिमम लोग ऑनलाइन चीजें खरीदने लग गए हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है ई कॉमर्स स्टोर बनाकर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने का। आपको किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी कंपनी के साथ टाइप करके उसका प्रोडक्ट अपनी प्राइस में बेच सकते हैं। आपको कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करना होगा और उनको बताना होगा कि आपका ई कॉमर्स स्टोर है। अगर आपके ई कॉमर्स स्टोर से कोई भी ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आपको ना डिलीवर करके डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाए। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ना तो उसके ऊपर उनका नाम होना चाहिए और ना ही आपका नाम होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी अगले 10 मिनट में अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो तो ज़ायरो की मदद से बना सकते हो। ज़ायरो आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, शिपिंग मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन, डिस्काउंट कोड्स, 50 से भी ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न, इन पे भी बेच सकते हो। दसवां बिजनेस आइडिया है कंसल्टेशन सर्विसेज। दोस्तों आप जिस किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं उससे रिलेटेड आप वेबसाइट बना सकते हैं और कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप पिछले कई सालों से अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको अकाउंट का अच्छा खासा नॉलेज होगा, तो आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएंगे उनको आप अपनी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनको भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच सकते हैं। मैंने यहाँ पे अकाउंट का एग्जांपल लिया है, लेकिन आप जिस किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है उससे रिलेटेड आप वेबसाइट बना सकते हैं और कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप डांस में, म्यूजिक में, एमएस एक्सेल में, एमएस ऑफिस में, या फिर अगर आप बॉडी बिल्डिंग में, किसी भी चीज में आप एक्सपर्ट है तो उसकी वेबसाइट बनाइए और अच्छे खासे पैसे कमाइए। तो दोस्तों ये वो 10 बिजनेस आइडियाज है जिनकी शुरुआत आप कर सकते हो ₹1000 के आसपास। दोस्तों मैंने 1000 इसलिए कहा क्योंकि आप ज़ायरो की मदद से ये सारे के सारे बिजनेस आइडियाज $14.99 में शुरू कर सकते हो। अगर मैं $14.99 को $15 पकड़ूं और $15 को 75 से कैलकुलेट करूं तो प्राइस होता है ₹1125। मतलब ₹1125 में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो आपका प्राइसिंग पड़ता है ₹1125। लेकिन अगर आप सिंपल वेबसाइट बनाते हैं तो प्राइसिंग ₹300 से भी कम पड़ता है। अगर दोस्तों आप अपनी वेबसाइट खुद बनाने जाएंगे और सिर्फ होस्टिंग भी खरीदेंगे तो ये जो प्राइसिंग है इससे महंगी आपको होस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा सारी मगजमारी भी आपको करनी पड़ती है। तो ज़ायरो एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। और मुझे ज़ायरो की सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इन्होंने अलग अलग प्लान बनाए, तो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान खरीद सकता है। तो दोस्तों ज़ायरो एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में खुद की वेबसाइट या फिर ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा कमाओ और कमांडो चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए तो स्पेशल ऑफर भी है। आपको कमाओ 30 यूज करना है, आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस मौके का फायदा उठाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली लिंक पर क्लिक करके आज ही अपनी वेबसाइट बनाएं। अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो वो बनाएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।